वापस लो, वापस लो। Myra Fashions, फैशंस एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल अजमेर देखिए राजस्थान में लगभग 15 माह पूर्व कांग्रेस की सरकार आई है और जब से सरकार आई ये जन विरोधी सरकार के रूप में देखी जा रही है। इसका कारण है कि जहां कुछ पूर्ववर्ती सरकार ने जनता को राहत देने का काम किया वहां इस सरकार ने उन राहत को वापस विड्रॉ किया और आज जो देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों के अंदर जो उन्होंने वादा किया था कि हम 5 साल में कोई बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे वो आज एकदम इस तरह से बढ़ाई कि लोगों की कमर टूट गई और एक तरफ महंगाई और दूसरी महंगाई और लोगों का बजट सबका बिगड़ गया है और आज जिस तरह से दरों के साथ साथ में सिक्योरिटी मनी जिस तरह से जमा कर रहे हैं बढ़ा करके उनको दे रहे हैं और किसी से मैंने एक बिल देखा है जिसमें 4,000 की सिक्योरिटी मनी थी और उसमें 23,000 कर दी गई 19,000 का एक्स्ट्रा डिमांड दिया गया तो इस तरह से लोगों के ऊपर जो मार डाली जा रही है ये सरकार बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। ये एक तरह से कहते हैं कि तानाशाही सरकार है, इसको एकदम सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक डेपुटेशन यहाँ जिला स्तर के ऊपर एक ज्ञापन देने के लिए आया है कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस ली जाए और लोगों को राहत पहुँचाई जाए और इस तरह से जो अगर के काम करती रही तो मैं समझता हूँ कि स्वयं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती जा रही है और लोग इसके विरोध में होते हुए आज अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वापस शासन के अंदर कायम हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले शहर जिला अजमेर के बैनर तले आज राज्यपाल महोदय के नाम या जिला कलेक्टर में ज्ञापन देने आए हुए हैं। जो राजस्थान सरकार द्वारा गरीब किसान जनता के साथ में और आम जनता के साथ में अपने घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे उसको लेकर के और अभी उन्होंने 1 फरवरी 2020 में जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करी है 25% तो बिलों में बढ़ोतरी हुई है प्रति यूनिट और लगभग 125 रुपया सरचार्ज के ऊपर लगाया गया और ये जो गरीब किसान है उसके ऊपर लगभग 400 रुपया जो किसान 200 यूनिट यूज़ करता है उसके ऊपर 400 रुपया प्रति माह का ये खर्चा आएगा। और अगर जैसे हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में जो गरीब परिवार हैं एक करोड़ 800 लाख परिवार बिजली का यूज़ करते हैं तो उन परिवारों पर देखा जाए तो ये जो है 1,800 करोड़ का सीधा सीधा महीने का फ़ायदा राजस्थान सरकार को हो रहा है। आज हमारा इसी संदर्भ में ज्ञापन दे करके और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे करके निवेदन है कि राजस्थान सरकार इस बढ़ी हुई दरों को वापस ले बिजली की दरों को और तुरंत प्रभाव से इसको वापस से लेकर के आम जनता को राहत दे।